नमस्कार दोस्तों मैं रिंकू शर्मा एच न्यूज़ से और आज हम आए हैं महुआखेड़ा जहाँ पर विद्युत विभाग द्वारा किसानों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनके टूवलों पे विद्युत मीटर लगाए जा रहे हैं वैसे तो किसानों पर अपना बिल समय से जमा नहीं होता है जब मीटर पर और लग जाएंगे तो उसके द्वारा किसान किस तरह से अपना बिल जमा करेंगे इस स्थिति को जानने के लिए हम आए आज किसानों के बीच और जानते हैं उनकी स्थिति क्या है बिजली विभाग को लेकर जी नमस्कार आपका नाम करण सिंह जी करण सिंह जी आपके यहाँ पे जैसा सुना के मीटर लग चुका है तो उसके हिसाब से आपका बिल किस तरह से आ रहा है और आप किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं साढ़े चार हजार महीने पहले कितना आता था, था पहले पच्चीस सौ दो हजार जी तो इस, ये साढ़े चार हजार जो आ रहा है इसको आप समय से जमा कर पा रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं सर हम ऑनलाइन कर रहे हैं जमा मतलब मीटर लगने से आपको नुकसान हुआ है या फायदा हुआ नुकसान हुआ है क्या क्या नुकसान हो गया आपको अब साढ़े चार हजार जमा करने पा पहले दो हजार जमा करने पड़ते हैं पहले दो हजार जमा करने हाँ? पड़ते थे तो इसमें आपने जब ये मीटर लगाने आए थे जय साहब तो उन्होंने उनके पास लिखित में इसके लिए मतलब सूचना थी कि आपके यहाँ मीटर लगेगा ना वैसे ही कुछ कोई लिखित में नहीं इसकी आपने फिर विभाग में कहीं जाके कोई कंप्लेंट की कि बिना सूचना कैसे कैसे लगा दिया हमने कुछ न करी साहब आपने नहीं की अच्छा और लोगों से जानते हैं जी सर आपका नाम जोगेंद्र सिंह जी जोगेंद्र जी तो ये सही लग रहे हैं मीटर या गलत लग रहे हैं गलत लग रहे हैं तो इसके लिए आप मतलब सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? निवेदन करना करना चाहते चाहते हैं हैं किसान वैसे ही परेशान है जी और चुनाव से पहले के, कहा भी गया था कि बिजली आधे रेटों में देंगे कोई फ्री की कह रहा था और मीटर लगा के तो किसान को ये प्रताड़ित कर रहे हैं जैसा कि इनने बताया अभी साढ़े चार हजार रुपए महीने बिल आ रहा है तो जब सत्रह सौ ढाई सौ रूपए बिल नहीं निकल रहा है साढ़े चार हजार रूपए कैसे दे देगा किसान दे देगा इसलिए किसान परेशान है जी, जी, जी और और लोगों से हैं सर आपका नाम नमस्कार मेरा नाम आशीष ठाकुर है जी। मैं इसी गांव का निवासी हूं जी। तो जो ये बिल मीटर जो लग रहे हैं ये नाजायज है एक तरह से क्योंकि अगर जब आप देखिए अभी जो करंट में बिल आ रहा है वो हजार बारह सौ रुपए पंद्रह सौ रूपए तक आ रहा है अब तुरंत ही अगर साढ़े चार हजार रूपये बिल आएगा तो किसान कैसे मैनेज करेगा आप देख रहे हैं आए दिन गायों और साड़ों ने इतना खेतों में नुकसान कर रखा है कि किसान को अपनी खेती बचाना मुश्किल पड़ रही है तो जब उत्पाद ही नहीं होगा किसान के खेत में तो कहाँ से जमा करेगा और इतनी ज़्यादा और कोई नोटिस नहीं है कुछ नहीं है एक कायदे में नोटिस होना चाहिए कि लगना चाहिए जब आप किसान ग्यारह सौ महीने की बिजली नहीं जमा कर पा रहा है आप कनेक्शन तक काट रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं आप साढ़े चार हज़ार रुपये किसान कहाँ से जमा करेगा किसानों के राज दर वही है सब कुछ वही है अभी तो कि... मीटर लगाए जाए तो साढ़े चार हजार रुपए है जब मीटर पूरी तरह से लग जाएंगे तो इनके लोड इतना आ रहा है उसकी पेलेंटी लेट जमा की पेलेंटी तो ये साढ़े चार का ये साथ भी हो सकता है अभी तो अभी अभी, अभी अभी तो मीटर लग रहा, तो रहा है तो साढ़े चार हजार आ रही पूरी तरह से मीटर लगे भी नहीं है एक दो टूलों पर लगे हैं जब पूरी तरह से मीटर का सिस्टम खत्म हो जाएगा तो ये बिल चार का आठ भी हो सकता है अच्छा जैसे कि अभी ये मीटर लगाने आए हैं तो आप इस इनका जो विरोध कर रहे हैं या इनसे कुछ कहा है तो इनका कोई उच्च अधिकारी यहाँ आ रहा है आपको मतलब कुछ सूचना देने के जी हमारे पास ये सूचना है विभाग की नहीं ये हमारे यहाँ मीटर लगाने आए थे हमने विरोध किया विरोध करने के तुरंत पश्चात ये पुलिस भी लेके आए यहाँ इनके पास कोई प्रायर नोटिस नहीं है कोई कागज नहीं है जिसके द्वारा ये हमें बताए कि आपके ये मीटर लगने हमने अगर कागज मांगा है तो इन्होंने सबने नकार दिया है कागज के लिए कोई इन पर लिखित में नहीं है कुछ नहीं है अच्छा सर इसके बाद में जैसे इनके पास कोई लिखित में कागज भी नहीं है ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है ये मीटर लगाने गए तो इस संबंध तो में आप विभागीय जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करना चाहेंगे या उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे उन्हें कहा संदेश देंगे उनके खिलाफ तो खिलाफ कुछ सुनता ही नहीं है सरकार सुन नहीं रही है तो एक आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं बचता इनके किसानों के पास हम लोगों को शिकायत करने का एक माध्यम विधायक या एमपी होते हैं पूरी पांच साल हो गए हमारे यहाँ सांसद तो कभी आया नहीं किसी गांव वाले ने चेहरा तक नहीं देखा है विधायक हमारे पड़ोस के हैं आज तक गांव में नहीं आए कि, किससे शिकायत करेंगे किसके द्वारा अपनी शिकायत को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे जो हमारे जनता प्रतिनिधि है वो यहाँ झाकते तक नहीं है अब जनता का प्रतिनिधि कौन होता है पहला प्रतिनिधि प्रधान उसके बाद होते हैं विधायक सांसद आज तक कोई बताओ यहाँ कोई आया हो और कोई जी सर आपका नाम मेरा लोके जादौन नाम है जी जी। जैसे कि अब आपका मतलब क्या मत रहेगा विभाग के लिए विभाग अभी विभाग के पास कोई आदेश नहीं ऊपर जी। अभी आदेश मांगा था विभाग कोई आदेश नहीं है आदेश आ जाएगा जब किसानों से बात की जाएगी अब मीटर लगाएंगे उससे पहले तो कोई मीटर लगेगा नहीं अभी जी 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 ताऊ जी आपका नाम सुबह वीर सिंह जी सर तो ये मीटर लग रहे हैं ये गलत लग रहे हैं ये गलत लग रहे हैं लग नहीं लगना नहीं क्योंकि चाहिए क्योंकि जब बिल जमाने नहीं कर इतना आता है बारह सौ रूपए तो ये साढ़े चार हजार रूपए कहाँ से जमा करेंगे इधर गाय परेशान कर रही है जी। जी। चलो अब जय जय साहब से जानते हैं उनके बारे में उनका क्या मत है आ जाओ जय साहब नमस्कार जी आपका नाम संजय राघव जी राघव जी जैसे कि आप मीटर लगाने आए हैं तो इसमें आपको विभाग द्वारा लिखित सूचना किसानों के लिए दी गई है या नहीं नहीं लिखित तो मुझे नहीं दी गई लेकिन हाँ आदेश दिया गया है ऊपर से आदेश है ऊपर मतलब ऊपर से आदेश से मतलब है मुख्यमंत्री कार्यालय से है या आपके लाल डिक, लाल डिक मुझे तो मतलब आदेश है तो विभागीय मतलब उस अधिकारी लिखित में आपके पास है या बर्बल ही है कि आपको किसानों के यहाँ मीटर लगाने हैं और उस अधिकारी का क्या आप नाम बताना चाहेंगे नहीं लिखित में तो नहीं है मेरे पास कोई हो जी तो वो जो अधिकारी हैं जिन्होंने आपको कहा है उनका नाम बताना चाहेंगे जनता को हाँ एक्शन सर ने बताया मुझे एक्शन सर ने मतलब एक्शन सर का नाम बता दीजिए आप श्री पी के सागर श्री पी के सागर तो अब आपकी आगे क्या कार्रवाई रहेगी मीटरों के प्रति मीटरों के प्रति यही है कि मतलब मीटर वैसे लग जाना चाहिए लगने से कोई नुकसान तो है नहीं नुकसान नहीं लेकिन हाँ अगर जो है क्या होता तो जनता को इसके बारे में एक दो फायदे बता दीजिए फायदे ये है कि उससे मीटर से लगने से एमडी वगैरह है उनका जो है लोड वगैरह है सब सही आएगा और बिल के द्वारा जैसे अमूमन एक्स्ट्रा आता है बिल वो अब वो भी नहीं आएगा और मतलब रीडिंग के अनुसार ही जो है बिल आएगा जी अच्छा जान सकता हूँ जैसे अभी जो बिना मीटर के बिल आ रहे थे वो कितने हॉर्स पावर पे कितना बिल था और इसको लगने के बाद में कितना हो जाएगा इसकी कुछ जानकारी आप दे सकते हैं ये तो, MD, MD की समर है, तो के जी. जिसकी दस की है दस के अनुसार आएगा जी. वो समर के लोड के अनुसार ही बिल आता है वो लोड के अनुसार है जो मतलब आपके हिसाब से साहब यहाँ पर मतलब कितने हॉर्स पावर की लास्ट मोटर होंगी उपभोक्ताओं की किसानों की के और यहाँ जैसे कि जानते हैं कि पानी का जो लेवल है, है तो काफ़ी नीचा तो एटलीस्ट दस हॉर्स पावर की मेरे हिसाब से मोटर चल रही है मेरे हिसाब से दस की हो, जो है मोटर लास्ट होंगी बट आपका जैसे ये कह रहे हैं कि बीस आपके जेई हिसाब ने मतलब खूब जो लाइन मैन जे हिसाब ने को कर ली बीस पावर तक करना है बीस का मोबाइल बिला रहा है बीस का कितना बिल आ रहा है आपका महीने का तो जो जब वाले करा जाते हैं उसके कार्यकाल में मोटर चेक की गई थी इनकी इनकी मोटर चेक की गई थी उसका जो है जब मौके पर दस हॉर्स पावर की मोटर है और उसका लोड जो है बीस पावर के हिसाब से इनका बिल आ रहा है मंजूर सरकार कनेक्शन काट का जी सही तो जी साहब कुछ बताना चाहेंगे कि उपभोक्ताओं के बिल का क्या मैटर रहेगा इसमें जैसे अभी क्या है कि जो साढ़े सात के बिल थे उनका कैपेसिटर के साथ में शायद तेरह सौ रुपये कुछ आता है और बिना कैपेसिटर के पंद्रह सौ कुछ रुपये आता है अब ये मीटर लग जाएंगे और लोड हो गया मान के चलो आपका दस किलो बाट का जो साढ़े सात की उसका दस किलो बाट हो गया मान लीजिए तो उसका बिल लगभग मेरे ख्याल से जो है जो है, दस किलो बाट का ही कनेक्शन जो है टूबल का लेते हैं उसके बाद जो कैपेसिटी अपना जो मोटर रखते हैं वो उनके ऊपर आधार करता है हम उससे जो है टेम, टेस्टर से चेक करते हैं और मतलब मीटर के द्वारा चेक होता है लोड तो उसके अनुसार ही जो है फिर बिल देना इनका जो है डिपेंड होता है कोई एक्स्ट्रा कोई विभागी कोई ऐसा नहीं होता कि विभाग जो अपने स्तर से जो उसको करे अगर विभाग करता है तो आप उसको जाँच करा सकते हैं देखवा सकते हैं ऐसा

ये फील्ड में आके उनसे ये कहिए कि उपभोक्ताओं की स्थिति को देखते हुए उपभोक्ताओं की स्थिति को देखते हुए मीटर निर्धारण कर रहे हैं उनके ऐसा है, जी उनको भी, जैसे आदेश उनको भी ऊपर से आदेश मिला हुआ है जी जी ये नहीं है कि वो ए, 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 सर जो अपने हिसाब से कर रहे हो वो ऊपर से आदेश उनको भी मिला हुआ है वो ऊपर से आदेश मिल रहा है वो हमको फॉलो कर रहे हैं वो उसको हम फॉलो कर रहे हैं वो हम उसको तो फॉलो कर रहे हैं अब उनके लिए जो भी जो भी अगर दिक्कत है अगर मीटर लगवाने में कोई भी कंज्यूमर तो वो जाके उनसे मिले क्या प्रॉब्लम है क्या है मतलब क्यों नहीं मतलब लगवा रहे हैं जी तो ये थे जय साहब और बाकी जनता से हमने बातें की और जितनी भी परेशानियाँ थी जनता की उनको समस्त मतलब जितनी हमारी ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है कहा गया था कि किसानों को मुफ्त भी दिली जाए दी जाएगी बट यहाँ तो उनके टूलों पे मीटर लगाए जा रहे हैं और उनका खून चूसा जा रहा है ये सरकार किसानों के हित में शायद काम नहीं कर पा रही है हाँ जी जय साहब अभी आपसे थोड़ी पहले मुलाकात हुई तो अब आप एस डी ओ साहब को लेके आए तो कुछ लिखित में इनको साथ लेके आए हैं या ऐसे ही आए हैं जी सर आपका नाम बताइए अरविंद कुमार एस डी ओ जी तो, जी। तो जी। अभी थोड़ी देर पहले मेरी साहब से बात हुई थी मैं रिंकू शर्मा तो इनके पास लिखित में कुछ नहीं था तो इस समय आप आए तो आप कुछ लिखित में लेके आए उपभोक्ताओं के पास के ही आप भी चले आए देखिए उच्च अधिकारियों के जो भी मौखिक या लिखित जो भी निर्देश होते हैं उनको मानना होता है अपने अधीनस्थों का जो अधीनस्थ हमारे जय ही है, जो हम, मैं है मैं भी अपने तो हमें जो ऐसा निर्देश देते हैं उसी अनुसार हम जो कार्रवाई करते हैं अब यहाँ जो है मीटर लगाने के लिए भेजा तो मीटर लगाने के लिए आए सर जैसा कि मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बताऊँ अगर मौखिक तो कोई आदेश होता नहीं है मौखिक आदेश कोई नहीं होता और ना ही कोई मौखिक आदेश को मानता है कोई भी अगर आदेश है विभाग का वो लिखित में ही उपभोक्ता के पास आता है क्योंकि बिल बकाया के लिए आप पहले नोटिस देते हैं तब कुछ करते हैं आप मीटर मीटर लगाने लगाने आए तो उसका आदेश आपको कौन पारित करता है पूरी यूपी में ही ये मीटर लगाने की कार्रवाई की जा रही है जितनी निजी नल को कनेक्शन होते हैं मैं यूपी से बात नहीं कर रहा हूँ आप लिखित किसी आदेश की आवश्यकता है तो उसे भी दिलवा हाँ तो आप लिखित आदेश ले आइए और इनको जब उपभोक्ताओं को आप मीटर की जो भी कार्यवाही वो आगे करेंगे आप बाकी जो भी आपके उच्च अधिकारी हैं उनको भी आप फील्ड में लेके आए और जब उसका ठीक है सर और बताओ और किसी को और किसी से कुछ कहा हो? हाँ बताओ बताओ पहले आप अपना नाम बताइए मेरा नाम गजेंद्र सिंह है जी क्रांतिकारी किसान का प्रदेश अब इन लोग जब कभी इन्हें दाम की

फिर वो के बाद हम किसान तेरा पैसा ना अच्छा जैसा कि मैं आप, आपके बारे में जानता हूँ आप तो एक करोड़ चौरासी लाख के उसमें भी सम्मिलित थे उसका क्या हो रहा है एक बार बिल जमा कर दिया उसके बाद उपभोक्ता दोबारा दे दिया है और करोड़ चौबीस लाख कंपनी से वसूल कर लिया इतने बेईमान है जिसका कोई जवाब नहीं इस विभाग इससे बेईमान है ही नहीं किसान अपने बालक ले हम चाहते हैं कि हमारा धन मिलना चाहिए और जो अधिकारी दोषी है उन्हें फांसी होनी चाहिए। अब आपके किसान यूनियन वाले और किसान आपके साथ इस संबंध में क्या करेंगे ये करेंगे अगर ये नहीं सुनते तो धरना चाहे जेल में पूरे जीवन निकल जाए लेकिन हमें एक रुपया ना देंगे और में मीटर लगा देंगे आपका मीटरों की समस्या तो बनी हुई है भाई क्यों लगवा उसके, उसके संबंध में आप क्या करना चाहेंगे कुछ आपका दिशा निर्देश तो होगा किसानों के लिए अपने लिए या विभाग से आप क्या कहना चाहेंगे संबंध में इस संबंध में तो वही बैठ के कहेंगे लाल डिग्गी पे लाल डिग्गी पे और धरना प्रदर्शन होगा बिल्कुल करेंगे जबरदस्त करेंगे और कड़ाई से करेंगे ईट से ईट बजा के करेंगे ये किसानों का रोष है और भैया सर आपका जोगेंद्र सिंह जी जोगेंद्र सिंह जी तो एस डी हुई है और इन्होंने क्या क्या जैसा की एस डी ओ साहब ने कहा है कि हम उच्च अधिकारी का लिखा हुआ मानेंगे उस अधिकारियों का लिखा हुआ नहीं सरकार का जियो मानेंगे सरकार जियो बना के देती है तो हम मीटर लगवा लेंगे वरना हम आत्महत्या करने के लिए सब किसान तैयार है बिल्कुल नहीं लगने देंगे किसानों तो का रोष काफी बड़ा हुआ है और इस संबंध में जब तक कोई उच्च अधिकारी लिखित में किसानों को आदेश पारित नहीं करेगा तब तक ना तो ना ही किसान ना ही कोई किसान मीटर लगवाएगा किसानों में काफी रोष है मैं रिंकू शर्मा एच से धन्यवाद